भाजपा सरकार लगातार जन जन तक अपने विकास कार्य और उपलब्धियां पहुंचा रही है। उसी के तहत सांसद रमेश पोखरियाल निशंक सभी विधानसभाओं के दौरे पर हैं। वहीं आज जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा पहुंचे सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगल के यहां कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उन्हें बधाई भी दी। वहीं उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सभी विधानसभाओं के पदाधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है और उनकी सेवा के समर्पण पर उन्हें बधाई भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा लगातार आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड को 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक बजट देकर जो विकास की गंगा प्रधानमंत्री मोदी ने बहाई है, उससे उत्तराखंड की जनता न केवल उनके प्रति आस्था रखती है बल्कि जनता ने सोच लिया है कि विकास सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार में ही हो सकता है। 1,00,000 करोड़ से भी अधिक रुपया स्वीकृत करके और विकास की गंगा को बहाने वाले नरेंद्र मोदी जी के बारे में, उनके प्रति उत्तराखंड के बच्चे बच्चे में न केवल आस्था है बल्कि उनको लगता है कि यदि उत्तराखंड का कोई भविष्य है तो नरेंद्र मोदी जी के हाथों में बहुत सुरक्षित है और उन्होंने उसको साबित भी किया है। हमारे प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी को जो जीत हासिल हुई है उसने बहुत रिकॉर्ड तोड़ा है और मुझे लगता है कि ये रिकॉर्ड 94% मत को लेना ये सामान्य बात नहीं है, ये पूरे देश का अपने डंकर रिकॉर्ड है। लोगों ने ये मन बना दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ और वहाँ है, यदि विकास हो सकता है हुआ है तो केवल बीजेपी शासन काल में हुआ है। अंतिम छोर तक के व्यक्ति को लाभ देना, जो अंतिम छोर का व्यक्ति है, चाहे उसके शौचालय हो, चाहे उसके राशन की व्यवस्था है, चाहे गैस की व्यवस्था है और चाहे उसके आवास की लेकर के, मैं ये समझता हूँ ये इतिहास में पहली बार इस रंग का हो रहा होगा।